हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जोहार, सबको आदाब। सबसे पहले आप लोग को मेरे नए ब्लॉग पर स्वागत है। और आज का ब्लॉग में मैं दोस्तों अपना आम का पेड़ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये रहा मेरा आम का पेड़। छोटा सा आम का पेड़ है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा फरा है आम। देखिए, मैं आम दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दिख गया वाला आप लोग आम। देखिए, बहुत ही आम है, मतलब बहुत सारा चुरा भी लिया है गाँव का लड़का लोग, बच्चा लोग नहीं देखते हैं तो। बहुत ही आम था दोस्तों। और देखिए, अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि जो आम का पेड़ है इसमें बकरी आ जाती है, तो सोच रहे इसको घेर देंगे। तो देखिए, मेरा भाई लोग इसमें लगा हुआ है, तो मेरा भाई लोग खंती लेके फोड़ रहा है। मिथिलेश, आप हाय कर दीजिए। हाय। क्या कर रहे हैं? गड्ढा खन रहे। ठीक है, गड्ढा खन रहे। और मेरा मिथुन भाई है, क्या कर रहे हैं मिथुन जी? उड़ रहे गड्ढा। गड्ढा खोल रहे हैं, देख बहा कर दीजिए। अभी इसको हम लोग पूरा खोड़ेंगे और इसका कोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चार बगल जाल बिछा देंगे और फिर आम होगा जो पकेगा, हम लोग खाएंगे। और दिखाते हैं लोग क्या कर रहे हैं। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, मैं दिखाता रहूँगा। हाँ देखिए दोस्तों, गड्ढा हो चुका है, बहुत ही गड्ढा हो चुका है। और मेरा भाई सब मिट्टी को बाहर कर रहा है। देखिए कितना मिट्टी भी हो गया है, देखिए पूरा मिट्टी हो गया है। और सोच रहे हैं चार टू खूटा करेंगे दोस्तों, चार खूटा करना है। एक तो इस साइड खूटा हो गया, एक तो यहाँ हो गया, एक तो यहाँ भी कर चुके हैं हम लोग खूटा। देखिए यहाँ भी एक तो खूटा है, यहाँ भी करेंगे। यहाँ गड्ढा कर दिए हैं, गड्ढा के डेप्थ बहुत ठीक ठाक है। एक तो बाँस घुस जाएगा और उधर एक तो हम लोग बाँस गाड़ दिए हैं। देखिए इधर बाँस है, इसको गाड़ दिए हैं। और इधर हम लोग खेत है बगल में दोस्तों, हम लोग मतलब बारी है, हम लोग इसमें प्याज वगैरह लगाते हैं, सब चीज़ लगाते हैं। हम लोग को मतलब खाने मन हो जाता है, हम लोग बाजार से खरीदते नहीं हैं। और सब चीज़ आलू वगैरह सब चीज़ हम लोग घर में कर लेते हैं। देखिए इधर भी है, इधर भी मतलब चार खूटा गाड़ेंगे दोस्तों। देखिए चार, मेरा ये आम का पेड़ है, चारों चार चार खूटा गाड़ेंगे। और देखिए इधर जाल है, यही जाल को हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब यही जाल को घेर देंगे जिससे बकरी ना आ सके। और बकरी आके खा जाती है आम का पत्ता को ना, तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है। तो इस चाहते हैं इसको पूरा घेर देंगे ना, कोई भी जानवर ना आ सके, कोई खा नहीं सके, या कोई बच्चा भी नहीं घुस सके। देखिए जाल भी अच्छी है, अच्छी खासी चौड़ी जाल है। इधर क्या बोलता है, कांटा से भी रख दिए हैं कि कोई ना आए। और देखिए दोस्तों, आम तो बहुत ही एकदम मन ललच रहा है कि आम खाने। देखिए इधर एक तो कुछ आम है, फिर देखिए उधर भी आम है जब, और देखिए इधर भी आम है। जब पक जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद तो मज़े खाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ही मीठा आम है। आम का ये पेड़ का नाम क्या है मिथुन? क्या नहीं मालूम ना, पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन सोच रहे मालदा है क्या? ये मालदा होगा। देखिए दोस्तों कितना ही बहुत ही अच्छा। कमेंट पे बताइएगा, आप लोग कमेंट पे बताइए। देखिए हम दिखा दे रहे हैं कि कौन सा आम है। देखिए देख लीजिए दोस्तों, देखिए अभी आप छुक भी दिखा रहे हैं। एट बहुत ही मज़ेदार आम है। देखिए देखिए दोस्तों, इधर भी ठीक ठाक आम है। हाँ देखिए दोस्तों, अब इस हम लोग खूटा गाड़ दिए हैं। देखिए लंबा खूटा को इसको गाड़ दिए हैं। देखिए इसको अब टाइट कर रहे हैं, ये मिथिलेश जी टाइट कर रहे हैं, ये सब्बल लेके खंती लेके टाइट कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इस गड्ढा हम लोग लास्ट बांस है, सब बांस तो गाड़ दिए हैं। इसको अब हम लोग गाड़ने वाले, देखिए ये हम लोग बांस को लगा दिए हैं। और बड़े ईंटा को चूर लेते हैं। ईंटा को चूरने के बाद जो छोटा टुकड़ा रहता है उसको डालते हैं, इसको डाल के इसको टाइट किया जाएगा। भरे 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 भरे।